हिजबुल्ला के मुखिया को मारकर अब इजरायली सेना लेबनान में घुस चुकी है। हालांकि इजरायली सेना के प्रमुख हर्जी हलेवी ने कहा कि ये एक सीमित ऑपरेशन होगा जो बॉर्डर एरिया से हिजबुल्ला को ब्लू लाइन से पीछे खदेड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि इजरायली सेटलर्स को वापस उनके घरों में बसाया जा सके। लेकिन आईडीएफ के लेबनान में पैर रखते ही ईरान समर्थित प्रतिरोध की धुरी, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से भी जाना जाता है, पूरी तरह से तिलमिला गई है। एक तरफ हिजबुल्ला ने ताबड़तोड़ रॉकेटों की बरसात कर दी है, वहीं दूसरी तरफ यमन का हूती अब हत्ते से उखड़ चुका है। होदेदा एयरपोर्ट पर इजरायली एयर स्ट्राइक का शायद उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जिस दिन उसके ऊपर ये हमला हुआ, उसके थोड़ी ही देर बाद उसने अमेरिका की नाक कहे जाने वाले MQ-9 रीपर ड्रोन को सादा प्रांत के ऊपर मार गिराया। आपको यहाँ ये भी बता दें कि अमेरिका का 11वां ड्रोन है जिसे हूती लड़ाकों ने मार गिराया है। और अब हूती ने यह दावा किया है कि यमन की एरोस्पेस यूनिट ने गाजा पट्टी में तेल अविव शासन के चल रहे अत्याचारों और पूरे लेबनान में उसके हमलों के प्रतिशोध में इसराइल के कब्जे वाले इलाकों में रणनीतिक क्षेत्र के खिलाफ दो ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया है। दरअसल हूती के अनुसार यमन के सशस्त्र बलों ने घरेलू और लंबी दूरी के याफा कामिकेज ड्रोन का उपयोग करके तटीय शहर तेल अविव के पास एक महत्वपूर्ण लक्ष्य पर हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने 4 घरेलू स्तर पर विकसित समद-4 लड़ाकू ड्रोन्स के साथ कब्जे वाले इलाके के सबसे दक्षिणी हिस्से में ईलट बंदरगाह पर मिलिट्री एरिया पर भी हमला किया। हूती प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने बयान जारी कर कहा कि किए गए दोनों ऑपरेशन सफल रहे हैं। استهدف سلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية هدفا عسكريا للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة وذلك بطائرة مسيرة نوع يافا وكذلك استهدف أهدافا عسكرية في منطقة أم الرشراش إيلات بأربع طائرات مسيرة نوع صماد 4 وقد حققت العمليتان بعون الله تعالى أهدافهما بنجاح। आपको बता दें कि हूती ने नेतन्याहू को मारने की कोशिश की थी। दरअसल हूती ने इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर फिलिस्तीन 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी, और ये मिसाइल ऐसे वक्त पर फायर की गई थी जब नेतन्याहू अमेरिका से यूएन को संबोधित करके वापस लौटे थे। वहीं इस हमले को लेकर हूती के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याया सारी ने कहा था कि हूती के लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल फिलिस्तीन 2 से ये हमला किया था। इस हमले से एक दिन पहले 28 सितंबर को हूती ने तेल अविव पर इसी मिसाइल और एश्केलोन में एक प्रमुख सैन्य टारगेट पर याफा ड्रोन से हमला किया था। आपको बता दें कि हूती को जंग लड़ने का एक अच्छा खासा अनुभव है, क्योंकि हूतियों ने सऊदी अरब और अन्य राज्यों द्वारा समर्थित सरकार के खिलाफ यमन में एक लंबा युद्ध लड़ा है और वो उसमें सफल भी हुए हैं। इस प्रकार उनके पास उन्नत हथियार वाले देशों के खिलाफ लड़ने का एक अच्छा खासा अनुभव है। पिछले एक साल के दौरान हूती ने बिना किसी खौफ के लाल सागर में ताबड़तोड़ हमले किए। उसने वाणिज्यिक जहाजों और अमेरिकी नौसेना के साथ साथ यूएस सेंट्रल कमांड सहित नौसेनाओं का सामना भी किया है। हूती ने इसराइल पर हमला किया और कई अमेरिकी रीपर ड्रोन्स को भी मार गिराया, और देखा जाए तो हूती की ताकत में लगातार बढ़ोतरी ही हो रही है, जिसकी वजह से इस बात में कोई दो राय नहीं कि इसराइल के लिए हूतियों पे पार पा पाना इतना आसान नहीं होगा।